उपचारात्मक आहार क्या होता है ये होता है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक है अगर कोई भी बीमारी है उसको दूर करने के लिए जो आम उस व्यक्ति के लिए आहार तैयार जो भोजन तैयार करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं उपचारात्मक आहार कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल तो समझाएं कि जैसे कि किसी को मधुमेह है डायबिटीज़ है तो उसको बहुत चीज़ें नहीं खानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ग्लूकोज जिससे ज़्यादा मिलता हो वो खाना उसको नहीं देना चाहिए जैसे जीआई फूड जिस जिसमें हाई होता है वो खाना उसको डायबिटीज़ के लिए हानिकारक होता है तो हम जैसे कि जो व्यक्ति है उसके लिए हम आहार तैयार करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होगा ठीक है कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में प्रोटीन जो सामान्य जरूरत है उतनी देनी चाहिए तो ये सब कुछ हम ध्यान में रख के उस व्यक्ति का पूरा एक दिन का आहार तैयार करते हैं जिससे कि उसका शुगर लेवल जो है वो बढ़े नहीं तो हम घर में ही रह के कर सकते हैं इसमें तो दवाइयाँ जो चल रही हैं साथ साथ हमें इसमें भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है ये नहीं कि उस मरीज को सिर्फ मेडिसिन दे के ही ठीक कर सकते उसको भोजन के द्वारा भी चिकित्सा करते हैं जिससे कि वो ठीक होगा सिर्फ दवाइयाँ चलाने से नहीं ये दोनों चीज़ों से उसका बीमारी वो ठीक होगा तो इसको ही उपचारात्मक आहार कहते हैं और ये सभी बीमारियों में काम आता है जैसे कि किसी को अल्सर है तो अल्सर में क्या होता है पेट में एक जगह आपका एक मतलब फोड़िस जैसा हो जाता है ठीक है समझिए अल्सर इस टाइप का होता है अगर आप मिर्च मसाला खा रहे हैं तो ये आपके पेट में और क्या बढ़ाएगा एस बढ़ाएगा तो वो वहाँ पे क्या होगा एसिड जब बनेगा ज़्यादा तो यह आपको यहाँ पे पेन होगा या फिर किसी को क्या है जिसको वसा किसी जो मोटापा है उसको ज़्यादा फैट नहीं खाना है तो उसको क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए भोजन में कम से कम फैट की मात्रा देनी चाहिए जिससे कि वसा कम हो सके किसी को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक है तो उस व्यक्ति को जैसे किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है क्यों होती है क्योंकि वो उसका शरीर बढ़ता है उसको उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है तो उसमें क्या प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो हमें उसको खाने में अधिक से अधिक प्रोटीन देना चाहिए तो किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है तो उनको ऐसे देना चाहिए किसी को लिक्विड डाइट पर होता है तो क्या होता है उसमें हमें सिर्फ लिक्विड चीज़ें देनी जैसे जूस खिचड़ी इस टाइप की चीज़ें जो लिक्विड बनाकर उसको दी जाती है ठीक है सूप तो उन, उनके लिए अलग आहार तैयार किया जाता है तो ये भी हम किसके द्वारा आहार के द्वारा उपचारात्मक आहार के द्वारा ही प्लान करते हैं समझ में आया कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है और निमित आहार में संशोधन के उद्देश्य क्या होते हैं तो इसमें उद्देश्य इनके क्या होते हैं पोषण की स्थिति बनाए रखने के लिए अगर उसका पोषण अच्छा बनाने के लिए मधुमेह है तो उसको कम करने के लिए अगर फैट ज्यादा उसके शरीर में मोटापा है तो मोटापा कम करने के लिए ही हम करते हैं ना शरीर प्रणाली और प्रभावित अंग जैसे कि उसका जो भी अंग प्रभावित है उसको ठीक करने के लिए करते हैं विशेष इसी में विशेष आहार प्रदान करना जैसे वसा आ, कु अवशोषण की दशा में ठीक है जैसे कि वसा का पाचन नहीं हो पाता उसके शरीर में तो उसको दूर करने के लिए तो वसा हम क्या करेंगे कम देंगे ठीक है किसी को आ, 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 कब्ज है तो उसको कैसे भोजन देना चाहिए आहार की स्थिति के अनुसार आहार को संशोधित करने के लिए जैसे ग्रास नली के कैंसर के रोगियों के लिए नली द्वारा पोषण हाँ तो यहाँ पे देखिए जो ग्रास नली जो होती है जो आपकी आ, ये मुंह होता है ठीक है यहाँ से चबाते हैं चबा के जब पाइप जो आपकी नली होती है उससे खाना भोजन आगे आपके अमासे में आता है ठीक है तो अब जब इसमें कैंसर है तो आप इससे खा नहीं सकते इससे भोजन नहीं जा सकता तो क्या होता है नाक में आप नली लगाई जाती है वो डायरेक्ट आपके नली द्वारा ये आपके अमाशे में आता है तो इसमें आप दाल चावल तो ऐसे नहीं दे सकते ना रोटी सब्जी तो दे नहीं सकते उसके अकॉर्डिंग आपको आहार तैयार करना पड़ता है लिक्विड आहार जिससे कि वो पाइप के माध्यम से जाकर पेट में डायरेक्ट चला जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे और इसके सिद्धांत क्या है भोजन और पोषण के विशेषज्ञ द्वारा आहार नियोजित किया जाना चाहिए जो आहार अनुसंसाधित आहारी भत्ती के अनुसार होना चाहिए ये मतलब जैसे कि जो डाइटिशियन है जो विशेषज्ञ है उसके अनुसार जो डाइट बना दी गई है वो देना चाहिए क्योंकि आपको तो पता नहीं है कौन सा आहार देना चाहिए कौन सा नहीं अगर वो डाइट बना दिया तो उसके अनुसार आपको खाना घर पर बनाना चाहिए बना के उस रोगी को खिलाना चाहिए ठीक है आहार रोगियों की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए तो जो उसकी शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके अनुसार ही खाना होना चाहिए उसके शारीरिक अगर वो मोटा है तो उसके अनुसार नु, खाना देना चाहिए कि उसको ज़्यादा काब्ज या वसा ये सब चीज़ें कम से कम देनी चाहिए और आहार आवास आहारी स्वरूप व्यवसाय और रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए ठीक है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे अगर आप उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो गरीब है आप उसके डाइट में बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स लिख दिए आप पनीर आप बहुत ऐसे महंगी महंगी चीज़ें लिख देंगे जिससे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो ला ही नहीं सकता तो आप कैसे अगर प्रोटीन की आवश्यकता है तो आप उसको गरीब है तो उसको दाल लिख सकते हैं कि वो दाल से पूरा कर ले सोयाबीन खरीद के खा सके अगर फ्रूट जो सीजनल फ्रूट है आप वो लिख दें ये नहीं कि आपको कीवी ही खाना हो क्योंकि आजकल कीवी कितनी महंगी है तो गरीब के अनुसार उसके आर्थिक स्थिति के अनुसार ही होना चाहिए ये सारे सिद्धांत है ठीक है यहाँ से आप सामान्य आहार का उपचारात्मक उद्देश्य हेतु रूपांतरण तो सामान्य पोषण उपचारात्मक संशोधन की नींव है सामान्य आहार को विभिन्न रोगों के लिए परिवर्तित किया जाता है जो रोग के लक्षणों उप पापचयी और जैव रासायनिक परिवर्तन रोगियों की शारीरिक स्थिति रोगियों की आवश्यकता उसको कितनी ऊर्जा अन्य पोषक तत्वों की कि कितनी ऊर्जा है अगर अगर गर्भवती स्त्री है तो उसके लिए अलग आपको क्या करना पड़ता है उसका खान पान का ध्यान रखना उसको अधिक प्रोटीन दी जाती है उसको वसा दिया जाता है ठीक है सब कुछ जो आयरन की आयरन की अलग से गोलियाँ चलती है तो उसको जितनी आवश्यकता होती है उस रोगी के अनुसार ही देना